कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी ये वाला वीडियो, अभी अनबॉक्सिंग का वीडियो आप लोग देख सकते हो, जो कि मेरा पार्सल मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है। इसके अंदर है Xiaomi 12 Pro जो कि 5G फोन है। तो हम लोग ने मम्मी के लिए बाय किया था, तो अभी इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और पूरा रिवील करते हैं आप लोगों को क्या है क्या नहीं। तो चलो इसको ओपन करते हैं। आप लोग देख सकते हो Xiaomi 12 Pro। अभी इसको ओपन करते हाँ, तो पहले सामने एक सब बिल आया है जो कि फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया, उसका बिल है। इसको साइड में रखते इसके अंदर एक केस भी है, फोन का कवर केस। क्वालिटी बाकी अच्छी है, देख सकते हैं आप लोग। और एक USB का भी इसके अंदर, मतलब ईयरफोन का ऑप्शन नहीं है तो इसलिए USB केबल दिया एक्स्ट्रा, ऐसा ईयरफोन जैक के लिए। इधर ईयरफोन जाएगा और ये फोन के चार्जिंग पॉइंट में जाएगा। तो अभी सामने ये रहा ये मोबाइल फोन, तो देख सकते हो फिनिशिंग मस्त लग रहा है। आप लोग देख सकते हो ये कर्व डिस्प्ले इसका, और बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है। 4500 mAh बैटरी है, फिर भी बहुत ही लाइट वेट है ज्यादा। तो अभी इसको देख साइड में रखते पहले, और अंदर एक्सेसरीज क्या है। तो ये आप लोग देख सकते हो इसके अंदर 120 वोल्ट का चार्जर आ चुका है, जो कि बहुत फास्ट चार्जर है, पूरा 18 मिनट्स में पूरा फुल कर देगी चार्जिंग। सो और इधर USB केबल है इसका, ये देखो देख सकते हो आप लोग। तो आप लोग फोन देख सकते हो एकदम स्लीम है, और इतना भी हैवी वेट नहीं है इसका। तो अभी फोन को ओपन करते हैं और आप लोग को पूरा रिवील करते क्या है। सो फोन ओपन हो रहा है अभी। सो आप लोग देख सकते हो हम लोग ने फोन सेटअप कर चुका है। तो अभी ये हम लोग ने लिया है 12GB रैम 256GB वेरिएंट, और ये बहुत ही स्लिम फोन है। आप लोग देख सकते हो इसको वन हैंड भी यूज कर सकते हैं, कोई भी वन हैंड यूज हो सकता है। और ये डॉल्बी एटमॉस स्पीकर आता है इसके अंदर, और इसके अंदर दो स्टीरियो स्पीकर है आप लोग देख सकते हो, जो कि सेम साइज है एकदम। सो इसके अंदर एक ऐसा बोनस पॉइंट है जो कि ये इसमें किसी भी टीवी या फिर AC ये कंट्रोल कर सकता है, रिमोट कंट्रोल कर सकता है। सो ऑडियो वाइज तो एकदम परफेक्ट है। तो बात करते हैं, ये फोन 5G फोन है जो कि इसमें डुअल सपोर्ट है, और साउंड बाय हार्मन है ये। तो डिस्प्ले की बात करें फोन की, तो इसका 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, और इसका बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है आप लोग देख सकते हो। तो और इसके अंदर डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट करता है, जो कि कोई भी स्मार्टफोन में सपोर्ट नहीं करता है। तो ये फर्स्ट फोन ऐसा डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट करने वाला है। तो और हम लोग का इसमें इसके अंदर स्नैपड्रैगन 8 जेन है 3 कोर के साथ, और हम लोग ने 12GB रैम और 256 स्टोरेज के साथ इसको मंगाया है। सो बाकी मैंने इस पर रिसर्च किया, तो इसका डिस्प्ले का A1 रेटिंग दिया है सब फोन के मुकाबले। तो इसका डिस्प्ले बहुत ही अच्छा रहता है, एकदम स्मूथ। और जो कि इसके अंदर बैटरी का परफॉर्मेंस बोले जाएंगे तो 4600 mAh बैटरी है इसमें, और बाकी फ़ोन में देखेंगे तो उसमें डबल बैटरी, मतलब डिवाइड किया रहता है एक बैटरी को दो पार्ट में, और इसके अंदर सिर्फ एक सिंगल बैटरी है। सो फोन की स्मूथनेस जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आती है, तो एकदम फील होता है इसको यूज़ करने के टाइम पे, एकदम प्रॉपर लगता है। और कीबोर्ड यूज़ करेंगे तो एकदम ऐसा फील होता है कि एकदम स्मूथ चल रहा है फ़ोन, आप लोग देख सकते हो। सो आप लोग ये तीनों कैमरा देख सकते हो, ये 50 मेगापिक्सल का 50 मेगापिक्सल और अल्ट्रा वाइड के साथ। और ये फ्रंट कैमरा आप लोग देख सकते हो 32 मेगापिक्सल के साथ आता है। सो इसकी एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, तो इसके अंदर IMX707 सेंसर के साथ आता है, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी निकल के आती है इसके अंदर की। अभी इसकी बात करें फ़ोन रिव्यू की, तो मैं आप लोगों को पूरा रिव्यू दे चुका हूँ। तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा फ़ोन का डिस्प्ले से लेके कैमरा से लेके क्वालिटी और स्पीकर सब बहुत ही अच्छा दिया है, जो कि डॉल्बी एटमॉस स्पीकर है इसके अंदर, जो कि इंडिया में ऐसा ज़्यादा फ़ोन में नहीं आता, बहुत रेयर केस में। साउंड बाय हार्मन कंपनी से इसका स्पीकर है। और आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो आप लोग मेरे को कमेंट में भी बताना। तो आप लोग को अगर फ़ोन बाय करना रहेगा तो फ्लिपकार्ट का भी डिटेल मैं पूरा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग उधर जाके बाय कर सकते हो। आप लोग को मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो आज के लिए बस इतना ही यारो, मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।